सिक्कर में स्मार्टफोन वितरण को लेकर बंजारा और कच्ची बस्ती के लोगों ने बुधवार को विरोध जताया। उन्होंने कहा कि उनके पास 13 अगस्त से मैसेज आए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको स्मार्टफोन नहीं दिए जा रहे हैं। बुधवार को इसे लेकर बंजारा बस्ती के लोगों ने नगर परिषद पर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान बस्ती के ईश्वर बंजारा, नरेगा मजदूर लाली सहित अन्य लोगों ने बताया कि यहाँ पर शिविर में मोबाइल के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है। उनके पास 13 तारीख से मैसेज आए हुए हैं, अपने जानकार लोगों को बुलाकर उन्हें मोबाइल दे रहे हैं। उन्होंने शिविर में भेदभाव करने के आरोप लगाए। बेड़ा देवा कॉलोनी बखुदी राख रहा है और नरेगा वाला दवा है मैं हमारे मोबाइल को नहीं देवा पात ये बोल रहे हैं बखुदी राख का है देवा कॉलोनी तो मोबाइल आयोड़ा को नहीं चक्कर कटवा रहे हैं आपको। हाँ मैसेज आ गया आपके पास? मैसेज तो आयोड़ा ही है। क्या नाम है आपका? लाली नाम। ये समस्या है कि हम ईश्वर बंजारा मेरा नाम है और कच्ची बस्ती में हम रहते हैं, लेकिन जो कच्ची बस्ती के लोग हैं या नगरी परिषद में सबके साथ मतभेद हो रहा है। और जो हमारे मैसेज आए, देखो ये मैसेज है मेरे पास, 12-12 तारीख का लोगों के पास आपको दिखाता हूँ, ये मैसेज है 12-12 तारीख का मैसेज आया हुआ, लेकिन उनको फोन नहीं दे रहा। जो 16 तारीख का आज का मैसेज है, उन लोगों को फोन दिया जा रहा है। कच्ची बस्ती के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ये मतभेद कर रहे हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, 3-4 बजे तक बैठे रखते हैं, फिर वापस अभी बस्ती के अंदर कुल 10-15 फोन दिए होंगे, बाकी सब बाहर के देते लोगों को दे रहे हैं। जो जानकार आते हैं 14 तारीख का मैसेज आया हो, 4 दिन हो गया मेरे को, सुबह शाम बुलाते हो गए, 4 दिन हो गया मेरे को। जानकार आदमी आता है खुद में बाहर के, देखो 14 तारीख का मैसेज हो गया मेरे को, लेकिन शाम को आपका जानकार आदमी नीचे आता नहीं, खुद तुरंत फोन दे देता है यार। हमारे लोग बैठे रहते हैं धरने डेढ़ के, शाम के 5 बजे होते आपके तो छुट्टी करके चल जाओ घर, कोई मेरे आप 5 बजे तक सुबह कब आए थे? सुबह 8 बजे। नगर पालिका में जो निजी आदमी है ना वो पहले अंदर जाते हैं, निजी आदमी है वो पहले हाथों हाथ ओटीपी भेज के हाथों हाथ बोल देते हैं। नहीं, शांत रहिए, सब मिलेगा। वही शिविर में कार्य कर रहे लोगों ने बताया कि वार्ड वार सूची बनाकर मैसेज किए जा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 150 लोगों को मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। जिनके पास मैसेज नहीं आए वे लोग भी शिविर में आकर के भीड़ बढ़ा रहे हैं। जैसे ही ओटीपी आती है उसी के अनुसार लाभार्थी को मोबाइल हाथों हाथ दिया जा रहा है। हमारे जो कैंप के प्रभारी है वो श्रीमान एसडीएम साहब है, मैं यहाँ पे टेक्निकल नोडल हूँ। फिलहाल जो अपने यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो इस प्रकार है कि जो भी बेनिफिशियरीज है उनके तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके ऊपर हमारे यहाँ से मैसेज के द्वारा सूचना दी गई है। प्रतिदिन जो भी लाभार्थी होते हैं उनको वार्ड वाइज हम लोग यहाँ से मैसेज के द्वारा, मतलब जो डिपार्टमेंट हेड है वहाँ के द्वारा मैसेज के द्वारा सूचना दे दी जाती है, उस हिसाब से लोग आते हैं। और फिलहाल जो आप भीड़ के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि जिन लोगों के पास में मैसेज किया गया है डेट वाइज वो पंक्ति पर आएँ और उनको हम एंट्री दे रहे हैं। टोकन सिस्टम भी डेवलप किया गया है वहाँ पे एंट्रेंस पे। काफ़ी लोग जो है वो जैसे उनके पास मैसेज नहीं आया है, लेकिन फिर भी जैसे मान लो कोई ना कोई सूचना के बहाने से या और किसी बहाने से वो पूछने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा भी जमा हो गई है, तो उसके लिए हम लोगों ने एंट्रेंस पे जो पुलिसकर्मी हैं और जो सिविल डिफेंस स्टाफ हैं वो उनका टोकन और जो उनके पास लिस्ट है वो चेक कर रहे हैं कि जिन जिन को फ़ोन करके बुलाया गया है सबसे पहले एंट्री उनके करवा देते हैं। अगर उनका हो जाता है तो उसके बाद में अदर बेनिफिशरीज जो अगर एलिजिबल है तो उनके एंट्री करवा देते हैं। रोज के कितने मोबाइल दे रहे हैं? रोज के जैसे अभी रजिस्ट्रेशन जो है हर दिन अलग अलग हो रहे हैं, एवरेज रजिस्ट्रेशन जो लगभग 150 के आसपास आप मान सकते हो। परसों जो है 131 रजिस्ट्रेशन हमारे रहे थे, कल छुट्टी थी, 131 रजिस्ट्रेशन ने परसों किया था हमारे कैंप के अंदर, बाकी सभी कैंप्स का अलग है, कहीं ज़्यादा भी है कहीं कम भी है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रही है? टेक्निकल प्रॉब्लम सर जैसे थोड़ा लोड होने के कारण से बीच में एक दो समस्या ही तो आई थी कि ओटीपी नहीं आया था, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर पहले ओटीपी आता है और उसके बाद में ही वो सिक्योरिटी के लिए उसका टीपिन सेट किया जाता है, तो कभी कभार जैसे ओटीपी नहीं आता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके लिए हम व्यवस्था ये करते हैं कि जैसे जिनका पेंडेंसी है वो क्लियर करके हम उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट काउंटर के ऊपर, और फिर उसके बाद सेकंड जो भी जो मतलब हमारे पास लाभार्थी है उनका नंबर लेते हैं, एक साथ एंट्री नहीं करवाते हैं, वरना जो है अंदर भीड़ ज़्यादा जमा हो जाती है।